निकालो कुछ अंदर में धरी धराई हो तो बाबा विजय माला का आवाहन कैसे करें। माला हाथ में पकड़ो हमको आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मक्खियों का छत्ता होता है, शहद की मक्खियां होती है ना, पूरे छत्ते का आवाहन कैसे किया जाता है, क्या करना पड़ता है, हैं? रानी मक्खी को पकड़ लो तो सारा छत्ता तैयार अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही मुरली में बोला है
कि शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, एक रानी मक्खी निकलती है तो सारा झाड़ उसके पीछे जाता है। तो बुद्धियोग से, बुद्ध रूपी हाथ से उसे एक ही रानी मक्खी को पकड़ लिया जाए तो सारा झाड़ उसके पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। अच्छा, रुद्रमाला के मणके जो हैं उनमें मुखिया को पकड़ लिया जाए तो सारा झाड़ क्यों नहीं इकट्ठा हो जाता है? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, ये राजाएं हिस्ट्री में आपस में लड़ाई लड़ते रहे, तो ये एक नहीं होते हैं। क्यों नहीं एक होते, कोई कारण होगा है? राजाएं ज्यादा विकारी बने हैं या रानियां ज्यादा विकारी बनी? राजाएं बहुत विकारी बने। जहां विकारी होते हैं, विविचारी होते हैं, तो वैश्यालय बनता है या सेवालय बनता है? वैश्यालय बनता है। तो ये न तो एक होंगे और न एक होने देंगे, ये तो विघटन डालने वाले हैं। इसलिए किसका आवाहन करो? रानी मक्खी का आवाहन करो, वो सब को एक में बांध लेगी। प्योरिटी से यूनिटी बनती है, जहां इम्प्योरिटी होती है या जिसमें भी इम्प्योरिटी होगी वो यूनिटी नहीं बना सकते। और एक है साधे सब सदय, सब साधे सब जाए। नहीं तो सीता का नाम पहले और राम का नाम बाद में क्यों आता? राधा का नाम पहले और कृष्ण का नाम बाद में क्यों आता? तो फिर लक्ष्मी के पहले अगर नारायण के बाद में, तो फिर शंकर के पहले पार्वती बाद में आते हैं? वो तो भगवान है। उल्टा हो गया ना, नारायण कोई भगवान थोड़े है, वो तो देवता है। ये देवताओं के नाम है, राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण, और शंकर क्या है? शंकर तो भगवान का रूप है, देव देव महादेव कहा जाता है, एक ही तो रूप है भगवान का प्रैक्टिकल में, दूसरा तो कोई भगवान का रूप ही नहीं है। इसलिए तो शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा गया है, नहीं तो ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तुम, कहते तो शिव शंकर अलग अलग है, फिर शिव शंकर को एक क्यों कर दिया? जवाब मिलेगा है? वो तो नहीं, और जवाब उनके पास है ही नहीं। तो तुम्हारे पास तो जवाब है कि शिव शंकर को अलग अलग है, होते हुए भी शिव शंकर को भक्ति मार्ग में इसलिए मिला दिया कि शंकर ने ऐसा पुरुषार्थ किया एक बाप को याद करने का कि उनकी आत्मा जैसे परमात्मा के सब संकल्पों में लीन हो गई, एक हो गई, एकाकार हो गई। इसलिए शंकर ही शिव समान बन गए, अथवा यूं कहें कि बाप शिव ने आकर के बच्चे को आप समान बना लिए। रुद्रमाला के मन के जितने हैं ये जन जन के राजा हैं, और उनको कहा कि जन जन की रानी है, तो फिर ये भी कह दे कि एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का है, फिर ये कैसे दोनों सब कैसे है? ये जन जन के राजा है, फिर बोलते एक जन्म राजा बने तब वो रानी नहीं बन सकती है? नहीं, वो जन जन की रानी। हाँ, तो वो जब राजा बने तब वो रानी नहीं बन सकती क्या? जन जन के राजा ये पुरुष हुए तो 84 जन्म के कोई राजा थोड़ा ही होता है। कोई जन्म में राजा होगा, कोई जन्म में साहूकार भी होगा। पुरुष है, हर जन्म में कोई राजा बनता है क्या? हर जन्म में राजा थोड़ा ही बनता है। बाबा ये कहते हैं ना शास्त्रों में, बद्रीनाथ विश्वनाथ और जगन्नाथ मुक्तिनाथ चार भाई हैं, लेकिन सबसे बड़े भाई कहते हैं मुक्तिनाथ को,
इस दशहरा में टीका रखने जो जाते हैं तीनों भाई तीनों दंती में बोलते हैं ये तो टीका लगाने जाते हैं नथुना के पास जाते हैं किस किस का पाठ है बताइए ये जो कहानियाँ बनाई है ये किसने बैच बनाई है मनुष्य ने बनाई ना तो मनुष्य जिसकी भावना जहाँ बैठी हुई है उसी को आगे कर देता है कोई राम के भगत हैं तो उन्होंने राम को ही आगे कर दिया कृष्ण के भगत हैं उन्होंने कृष्ण को आगे कर दिया कोई विष्णु के भगत हैं उन्होंने शंकर जी को विष्णु की पूजा करते हुए दिखा दिया कोई काली के भगत हैं उन्होंने सब देवताओं को काली की पूजा करते हुए दिखा दिया इन सब बातों में जाने से ज्यादा फायदा नहीं है ज्ञान सागर बाप ने आकर के जो शास्त्रों की बातें उठाई है उन बातों में रमण करने से फायदा है बाप आकर के हमको शास्त्रों का सार बताते हैं कि और कोई शास्त्र सार बताता है मक्खन निकाल के तो बाप बताते हैं तो हम और दूसरी बातों में जाएं क्यों अभी देखो चित्र नए नए निकाल देते हैं पहले वो चित्र नहीं थे अब नए नए चित्र निकालते रहते जैसी जिसकी भावना जहां बैठ गई वैसा ही चित्र बना देते अंतर में सभी आत्माएं कुछ साथी बच्चे अपने अपने पाठ को महसूस भी करेंगे और उसमें संतुष्ट भी रहेंगे ठीक है अभी पुरुषार्थ स्टेज में उसको अभी से ही महसूस करने के लिए सहज भी दिया आत्मा बनेंगे तभी तो महसूस करेंगे जब तक वर्तमान जीवन का देहभान जो देह है उसका भान है तब तक आत्मा के अनेक जन्मों को कैसे भान जान लेंगे आत्मिक स्थिति में आवेंगे बीज बनेंगे तो बीज देखने से झाड़ समझ में आ जाएगा अब बीज ही नहीं बने पहले तो बीज समझ में आवे कि हमारी आत्मा रूपी बीज कौन सी कैटेगरी का है आम का है बबूल का है बैंगन का है कौन सा है यही समझ में नहीं आ रहा है हाँ जी इसलिए बोला बाबा आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे तो बेसिक नॉलेज है जो बिंदु को याद करने की थी कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हमारा बाप ज्योति बिंदु इस बेसिक नॉलेज में रमण करते करते जिन्होंने याद करते करते अपने को बिंदु बना लिया उनकी कट जैसे उतर गई बेसिकली पूरी कट नहीं उतरी बेसिकली उतरी वो बाप को पहचानते हैं और बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं फिर पढ़ाई चलती है एडवांस कि बिंदु बिंदु आत्मा हम ज्योति बिंदु हैं बाप हमारा ज्योति बिंदु एक तो सामान्य नॉलेज हो गई लेकिन हम ज्योति बिंदु आत्मा कौन सी कैटेगरी की आत्मा है एक कैटेगरी का तो पता चले कैटेगरी पहले बाप की पता चलेगी कि पहले अपनी पता चल जाएगी पहले कैटेगरी बाप की पता चले तो जो भी जन्म के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनकी कितनी कैटेगरीज हैं मुख्य मुख्य हैं दस कैटेगरीज हैं एक नास्तिक और बाकी आस्तिक नंबरवार भगवान को मानने वाले तो हम किस कैटेगरी में झाड़ के चित्र में दिखा तो दिया बता तो दिया कि देवताओं की कैटेगरी ये है उनमें सहन शक्ति का विशेष गुण होगा क्षत्रियों की कैटेगरी ये है सहन शक्ति होगी जरूर लेकिन वो सामना करने की शक्ति का पहले ही उपयोग करेंगे इस्लामी सामना करेंगे सागर कैसे सामना करता है लहरों से तूफान आता है सागर कैसे सामना करता है अंदर से तो शांत है लेकिन सामना करता है कि नहीं ऊंची ऊंची लहरें ज्ञान की आती हैं सामना करता है तूफान आने दो तूफान क्या करेंगे ज्ञान के सामने सब तूफान ठंडे हो जाते हैं और भक्ति में जो है याद करने के लिए तो भिन्न थी
उसके बाद आए ज्ञान में देशी में जो याद करने की विधि अपने को आत्मसंगत ज्योति परमात्मा को याद करने की विधि बताई। और ब्रह्मा की पार्ट में ब्रह्मा की पार्ट में और फिर आया शंकर के पार्ट में जो एक्यूरेट याद बताया जो बताया जो है अपने जो है आत्मसमझ के और बाप को भी एक्यूरेट याद करने की जो विधि बताई विशिष्ट विधि। और फिर जब विष्णु की पार्ट होगी तो उसमें विधि चेंज होगा कि कैसा होगा। तीन पुरियाँ दिखाई गई हैं, उन पुरियों में कैटेगरीज दिखाई है, हैं ऊँच से ऊँच को याद करना अच्छा है या कैटेगरी को याद करना अच्छा है। फिर ये बीच बीच में कहाँ एक बाप बना के फिर विष्णु को बाप बनाया जाता है क्या? विष्णु का शास्त्रों में जहाँ कहीं भी पार्ट है वो स्त्री के रूप में पार्ट दिखाया गया है या जो सुरक्षा शंकर की है वो स्त्री के रूप में की है, शक्ति के रूप में की है या बाप बन के की है? बाप बन के की है, शक्ति बन के की है। तो बाप तो बाप ही रहता है, शक्ति शक्ति ही रहेगी। और विष्णु का जो रूप है उस विष्णु के रूप में भी जो चार भुजाएं हैं वो स्थूल भुजाएं हैं या चैतन्य भुजाएं हैं? चैतन्य भुजाएं हैं। वो चैतन्य भुजाएं अपने आप चलती हैं या चलाने वाला कोई और है? कौन है? धड़ थोड़ा ही चलाता है। हाँ वो है कौन? शिव तो नहीं है। विष्णु को चलाने वाला विष्णु के अंदर शिव बाप तो नहीं है? अरे हाँ या ना बताओ। हाँ शिव नहीं है विष्णु में, विष्णु तो देवता है, विष्णु कोई भगवान भगवान नहीं है। तो विष्णु में जो चलाने वाला है वो भुजाओं से ऊपर बैठा होगा या नीचे बैठा होगा? ऊपर बैठा होगा। ऊपर बैठा होगा तो चलाने वाला ऊपर और चार भुजाएं नीचे अलग, इसलिए ब्रह्मा को पांच मुख दिखाते हैं। एक मुख काट दिया तो जो काट दिया उसका देहभान खलास हो गया, बाकी चार ब्रह्मा बचे उन चार ब्रह्मा को पूजा नहीं जाता है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते। कब बनते हैं? जब ब्रह्मा सो विष्णु बन जाए, माने एक को सहयोग देने वाला बने, इसलिए विष्णु को भुजाएं दिखाते हैं सहयोगी के रूप में। रावण को सर दिखावेंगे लेकिन विष्णु को अनेक मत नहीं दिखावेंगे, अनेक सिर नहीं दिखावेंगे, मत एक ही रहेगी। क्या एक है? चलाने वाला और बाकी चार भुजाएं हैं चलने वाली। वो चार भुजाएं तो मालूम है ना कौन कौन है। हाँ बाबा, ये जो जगदम्बा जो है लक्ष्मी को ज्ञान क्लास देंगी, लक्ष्मी को ज्ञान क्लास देंगी जगदम्बा, और इतना ज्ञान क्लास धारण करते हुए भी वो रावण का जल भी कैसे करते? जो जगदम्बा लक्ष्मी को ज्ञान क्लास देंगी और इतना ज्ञान को धारण करते हुए भी और जगदम्बा रावण के जल में कैसे कर ले? रावण के रावण के जल में रावण के जल में। हाँ जगदम्बा अलग और भारत माता अलग, अलग मिस इंडिया अलग और मिस वर्ल्ड अलग। तो जो भारत माता है और जो वर्ल्ड मदर है जगदम्बा, जगत की अम्बा, दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? अरे जगदम्बा ज्यादा पावरफुल है या भारत माता ज्यादा पावरफुल है? ज्ञान में जगदम्बा ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जगदम्बा अगर ज्ञान में ज्यादा पावरफुल है तो ज्ञान सुनने सुनाने तक सीमित रहा
या प्रैक्टिकल जीवन में सीमित रहा, सुनने सुनाने के लिए सीमित रहा, तो जगदम्बा हुई भक्ति का फाउंडेशन डालने वाली। इसलिए मुरली ने बोला है देवी के पुजारी हैं आ रावण संप्रदाय असुर, जो भारत माता का पार्ट है वो देवात्माओं का माँ बनने का पार्ट है। देवात्माओं की माता में ज्यादा प्योरिटी होगी या जगदम्बा में ज्यादा प्योरिटी होगी? जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है, तो महाकाली का पार्ट वो तो काला पार्ट हो गया, और महागौरी का पार्ट गोरा पार्ट हो गया। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से चलते हैं या कोई और शक्ति है जिससे सारे काम होते हैं? प्योरिटी से सारे काम होते हैं। जगदम्बा कहने से ही साबित होता है कि वो असुरों की भी अम्बा है, राक्षसों की भी अम्बा है, और राक्षसों का संग का रंग लेगी, गोद में खिलाएगी, तो संग का रंग किसका लगेगा है? राक्षसों का संग का रंग लगेगा, तो स्वभाव संस्कार वृत्ति कैसी बनेगी? महाकाली की बनेगी या महागौरी की बनेगी? महाकाली की बनेगी। इसलिए ज्ञान होना अलग बात, और ज्ञान को धारण करना, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना अलग बात। महालक्ष्मी दायां हाथ भी है और बायां हाथ भी है। बांटने का काम कौन सा हाथ करता है? दायां हाथ बांटने का काम करता है, और धारण कौन सा हाथ करता है? बायां हाथ धारण करता है। तो बांटने वाले का भाग्य ज्यादा बनेगा या सिर्फ धारण करने वाले का ज्यादा भाग्य बनेगा? बांटने वाले का भाग्य ज्यादा बन जाता है, धारण करने वाले के ऊपर वजन ज्यादा चढ़ता है, ज्यादा वजन उठाया उसने, वजन उठाया। ये बाबा कहते ना, तो बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते हैं, तो कारण कमी क्या है? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतना वजन क्यों उठाते हैं जब बाप आया हुआ है? अपना वजन किसको देना चाहिए? बाप को देना चाहिए, लेकिन बाप को वजन तब देंगे जब बाप अपना दिखाई पड़ेगा। अगर संशय आया तो बाप पराया दिखाई पड़ेगा, अपना वजन कैसे देंगे? धारण करते रहिए आपने। तो धारण करना बड़ी बात है, ज्ञान देना और लेना बड़ी बात नहीं है। रावण भी वेद शास्त्र हाथों में दिखाई जाते हैं, जैसे ब्रह्मा को वेद शास्त्र दिखाई जाते हैं। फिर रावण का कोई गायन है? ब्रह्मा का कम से कम गायन तो है, पूजन नहीं गायन है, पूजन नहीं है, मंदिर नहीं है, रावण के भी मंदिर नहीं है, न पूजन है न गायन है। देवता क्षेत्रीय वैसे शुद्ध इस तरह से बताते हैं, तो फिर यहाँ जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जैसे सूर्य के शब्द के हिसाब से सूर्यवंश श्रेष्ठ है, सूर्य उसके बाद चंद्र है, तो ये क्षेत्रीय और देवताओं में जैसे देवताओं धर्म का जो विशेषता और क्षेत्रीय धर्म का जो विशेषता है उसमें, उसके आधार में फिर क्षेत्रीय धर्म का जो सामना करने का भी शक्ति उसमें है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी, इसलिए इसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो उधर शब्द के आधार से तो देवताएं, जिसके बाद क्षेत्रीय वैसे सूत्र, तो देवताएं आगे होने चाहिए, देवताएं धर्म वाले। अब यहाँ ये पुरुषार्थी समय के हिसाब से क्या ये चंद्र जो क्षेत्रीय वंश क्षेत्रीय धर्म श्रेष्ठ, उसके बाद देवताएं, क्षेत्रीय धर्म श्रेष्ठ कहाँ है? जैसे शब्द में सुनते हैं, किसने कहा क्षेत्रीय धर्म श्रेष्ठ है? है एक थे विश्वामित्र क्षत्रिय और एक थे वशिष्ठ, दोनों में लड़ाई हुई, जीता कौन? क्यों जीते? उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा थी, प्योरिटी का दंड सामने कर देते थे। विश्वामित्र ने अपने सारे शस्त्र छोड़ दिए और सारे बेकार हो गए, तो क्षत्रिय तो ऊंचा नहीं माना जाता? नहीं, मेरे जो मेरे समझ के आधार से प्रश्न, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।
क्या नहीं समझे? जो देवता है, जो देवता बनने वाले आत्माएं माना वो तो सतयुग में जन्म लेकर आएगी, इस हिसाब से देवता धर्म का। सतयुग में जन्म लेकर आएंगी वही देवता होंगे, संगम युग में देवता नहीं बनेंगे। जो जो नर से डायरेक्ट नारायण बनेंगे वो देवता नहीं है, पहले नंबर के देवता हो गए। माता पिता से जन्म लेकर आने वाले बसा जो इनडायरेक्ट देवताओं से प्राप्त करने वाला, वो बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले वो देवता होंगे। और जो अभी जो नर से नारायण बनेंगे वो सामना करके बनेंगे या सहनशक्ति के आधार पर बनेंगे? सामना करके बनेंगे, सहनशक्ति से नहीं बनेंगे। लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है तो भागा भागा क्यों फिरता है? कहते हैं ना तुम्हारा भगवान आया हुआ है तो क्यों भागा भागा फिरता है? तो जब उनसे कहा जाए कि तुम्हारे भक्ति मार्ग के जो भगवान हुए हैं शंकर भगवान, वो क्यों सारी दुनिया में भागे भागे फिरे भस्म सुर के डर से? तुम्हारे कृष्ण भगवान गांवड़े गांवड़े में क्यों भागे भागे फिरे कंस के डर से? तुम्हारे राम भगवान क्यों जंगलों में मारे मारे फिरे रावण के डर से? अरे ये युक्ति है, इसको सहन शक्ति भी कहा जाता है। जो भस्मा सुर पीछे पड़ा ना, तो बीच में मोहिनी रूप ने आकर के शंकर जी के बीच में बचाया, जो भस्मा पीछे पड़ा और उसको भस्म हुआ, वो खुद ही भस्म हो गया, लेकिन मोहिनी रूप बनाया उसने विष्णु ने। तो क्या ये आने वाली वैष्णवी का पाठन जो भस्म पीछे पड़ेंगे शंकर बाप के, तो उस समय प्योरिटी के आगे सब झुकते हैं, असुर होते हैं उनकी आसुरियत भी प्योरिटी के सामने झुक जाती है, बड़े बड़े सन्यासी होते हैं वो भी कन्याओं के सामने झुक जाते हैं। हाँ जी, सामना करने की क्या सामने करने की शक्ति तो बाद की बात है, सहन करने से ही काम चल जाए तो सामना करने की क्या जरूरत है? तो छत्री बन जा, त्रेता में पद ले लो, त्रेता में पद ले लो, आठ जन्म कम कर लो। अभी जो बात आई थी बाबा, महाकाली पाठ बजाती है तो वो महागौरी में भी तो समाहित हो जाती है विष्णु, वो तब ही समाहित हो जाती है जब ज्ञान सुनाती है और लक्ष्मी धारण करती है, धारणा करके जो सुनाने वाला है उसको सुनाने वाले को उसका उजूरा मिलता है उसके साथ, तो देने वाला कौन हुआ और लेने वाला कौन हुआ? देने वाला ऊंचा रखा जाएगा या लेने वाला ऊंचा रखा जाएगा? देने वाला ऊंचा हो गया। एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया और गुरु ने मांग लिया। अब गुरु का मान लोगों की बुद्धि में ज्यादा है ये एकलव्य का मान ज्यादा है? जब एकलव्य की बात आती तो एकलव्य श्रेष्ठ देखने में आता है, कोई गुरु द्रोणाचार्य को श्रेष्ठ नहीं बताएगा। देने वाला हाथ ऐसे रहता है और लेने वाला ऐसे रहता है नीचे। और योगीश्वर का पार्ट है वो प्रजापिता का है या ब्रह्मा बाबा का, जो तो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज का पार्ट हो। मुरली में एक वाक्य बोला है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे माना एक या दो चार, एक माने बीज में सारे पार्ट भरे हुए हैं, माने राम वाली आत्मा में सारे ही पार्ट भरे हुए हैं, अच्छे से अच्छा भी भरा हुआ है और खराब से खराब भी भरा हुआ है। इसलिए मुरली में अक्सर बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, माने अच्छे अर्थों में भी बाप है और निगेटिव अर्थों में भी वो बाप है। मुरली वो बोलते हैं बाबा, नरक की दुनिया स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या?
उस दुनिया में भी पार्ट बजाने वाला कोई ऐसा पार्टधारी है जो 63 जन्मों में किसी के सामने सर नीचे नहीं करता है। इसलिए भारत की बहुत महिमा गाई हुई है। हाँ जी, जैसे बाबा ने बोला है मूर्ति में कि बाप और घर को, बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। तो बाप को याद करें और घर, जैसे आप शरीर को याद करें, तो ये भी योग माना जाएगा? जैसे जिस शरीर में से विनाशी को याद करना है या अविनाशी को याद करना है? अविनाशी को याद करने से फायदा है और विनाशी को याद करने से तो फायदा नहीं है। तो जिस तन में मुकर्रर रथ में बाप आते हैं, बाप के रूप में पार्ट बजाते हैं, सदगुरु का पार्ट बजाते हैं, वो तन विनाशी है या अविनाशी है? आप क्यों बोलते हैं विनाशी है? सुनो, ये ज्ञान लिया है अभी, आपका ज्ञान ही अधूरा है अभी। जिस तन में बाबा इस समय है पार्ट बजा, जिस तन में मुकर्रर रथ में बाप पार्ट बजाता है शिव, वो तन विनाशी है या अविनाशी है? अरे फिर बोल दिए, मजबूर हैं आदत से। आप बताइए। वो तो नश्य नारायण बन जाते हैं, तो विनाशी हुआ? फिर कभी विनाशी बताते हैं, कभी अविनाशी बताते हैं। एक बात पक्की करो ना, जिस तन में बाप आते हैं शिव बाप, वो मुकर्रर रथ विनाशी है या अविनाशी है? तो अविनाशी को याद करने से हम क्या बनेंगे, विनाशी बनेंगे या अविनाशी बनेंगे? तो याद करना खराब है? यही पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे? कुछ शक संशय है तभी तो पूछ रहे। हाँ, जैसे बाबा कहीं कहीं बोल देते थे साकार में निराकार को याद करो, ठीक है? हाँ, तो जैसे निराकार साकार में निराकार को याद कर रहे हैं, अगर निराकार याद ना आए तो साकार को याद करें, ये योग माने जाए? साकार को सिर्फ याद करेंगे तो योग कठिन हो जाएगा थोड़ा। क्या? जो साकार को सिर्फ याद करेंगे तो कठिनाई हो जाएगी, साकार में निराकार को याद करेंगे तो सहज हो जाएगा। और बाबा बोले केवल खाली साकार को याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। हाँ नहीं, साकार को याद किया तो उतना पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे। क्या? चैतन्य को याद करेंगे या जड़ को याद करेंगे? चैतन्य को निकाल दो, शिव को निकाल दो। अच्छा, ब्रह्मा में से शिव को निकाल दो, ब्रह्मा सहन शक्ति धारण कर सकता था? है? शिव ने प्रवेश किया तभी तो सहन शक्ति इतनी धारण की। 63 जन्मों में वो सहन शक्ति धारण करके दिखा देता। ऐसे ही राम की आत्मा में से, राम के व्यक्तित्व में से शिव को अलग कर दो। शंकर वाली आत्मा वो कार्य करके दिखा सकेगी? नहीं दिखा सकती। इसलिए अगर सिर्फ साकार को याद किया तो भी ठीक नहीं है। हमारी प्रवृत्ति की याद है या निवृत्ति मार्ग की याद है? तो ये भी तो प्रवृत्ति है, आत्मा को भी याद करना और साकार को भी याद करना। अगर आत्मा को निकाल दिया तो वो तो जैसे क्या, मुर्दा, मुर्दा को याद किया। जिस तन की हम बात कर रहे हैं, वो तन अभी संपन्न है या अभी बच्चों के संग के रंग में आता है? हाँ, संग के रंग। एक शिव है जो संग के रंग में नहीं आता, बाकी राम वाली आत्मा संग के रंग लगता है या नहीं लगता है? संग का रंग लगता है तो अवस्था नीचे जाएगी। भला ये बात जरूर है कि सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश है इसलिए जल्दी कवर कर लेगा, लेकिन कुछ समय के लिए अवस्था तो नीचे ऊपर होती है ना। बाप अकेला वापस नहीं जा सकता, जा सकता है? अव्यक्तवाणी में तो बोला है, बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चे को छोड़ के चले जाएंगे क्या? इसलिए प्रजापिता वाली आत्मा का तो ये पार्ट है कि 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं,
जब तक सारी ही मनुष्य आत्माएं संपन्न स्टेज न प्राप्त कर लें तब तक वो आत्मा वापस नहीं जा सकती, जिम्मेवारी है उसकी। तो संघ के रंग में उसे आना ही पड़ेगा। हाँ बाबा, आत्मिक दृष्टि नहीं बल्कि शरीर पर पहुंच जाता है, क्रोध ज्यादा सताता है, इसके लिए बाबा तो ऐसे का संग करना शुरू कर दे जिसको क्रोध ना आता हो। तो बाबा के संग रहे। हाँ बाबा तो इतना क्रोध आता है कि सारी दुनिया को ही भस्म कर देगा। बाबा धर्मराज भी बाकी धर्मराज का साथ देगा बोला है। हैं? बाकी धर्मराज का साथ देगा। साथ देगा क्या? और धर्मराज बाप बाप का राइट हैंड है धर्मराज। तो राइट हैंड का साथ नहीं लिया जाएगा तो किसका साथ लिया जाएगा? धर्मराज का। अरे हम काम करते हैं तो राइट हैंड से ज्यादा काम लेते हैं या लेफ्ट हैंड से? राइट हैंड से लेते हैं। तो राइट हैंड जब धर्मराज है तो उससे काम तो लेंगे ना। धर्मराज के पास किसने वाली आत्मा जाए क्या? ज्यादा सहन किसने किया है? ब्रह्मा बाबा ने ज्यादा सहन किया। तो जिन्होंने सहन कराया है और उसने सहन किया है वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? फिर बाबा कब हिसाब किताब पूरा होगा? ब्रह्मा बाबा ने इतना सहन किया कि सहन करते करते अंतिम घड़ी तक भी बच्चों का सहन करते करते अपने प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन बच्चों का मुकाबला सामना नहीं किया। अच्छी दृष्टि से ही बच्चों को देखा, इनका कल्याण हो जाए है? तो अब ये हिसाब किताब कब पूरा होगा? बच्चे अगर पाप कर्म करते रहे और वो भी अपने बाप माँ बाप के साथ, तो वो हिसाब किताब पूरा हो, सौगुना पाप का बोझा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? ये सौगुना पाप का बोझा कब पूरा होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब समय आने वाला है, एक एक की सौ सौ गिनाएगा। हाँ क्या कहा? निमित्त शरीर तो बच्चों का है। बच्चे ही निमित्त बनते हैं। भुजाएं एक है क्या? ब्रह्मा की कितनी भुजाएं गायी हुई है? हजार भुजाएं गायी हुई है। चिंता किस बात की? रुद्रमाला के मन के सारे ही पुरुष होते हैं, कोई स्त्री नहीं होते। धर्मराज के दूत सुने कि नहीं सुने? हैं? सुने? हाँ दूतनी कभी सुनी? नहीं सुनी ना? हाँ माता लोगों को ये सुनते हैं कि जो रुद्रमाला का मन का दोहा है, स्त्री चोला होने की वजह से राजा नहीं बन पाती और राज्य अधिकारी बन पाती है, सब माता लोगों का कहना है। राज्य अधिकारी बन जाती है सो? राजा नहीं बन पाती। राजा नहीं बन पाती कि राजा बनती है? रुद्रमाला के मन के होंगे तो राजा जरूर बनेंगे। ये क्या बात कह दी? नहीं, ये आत्मा की पढ़ाई के ऊपर है कि स्त्री पुरुष चोले के ऊपर है? ये तो अरे आत्मा का पुरुषार्थ के ऊपर है या स्त्री पुरुष चोले के ऊपर है? पढ़ाई के ऊपर है। हाँ आत्मा का पुरुषार्थ है, जिसके अंदर कंट्रोलिंग पावर होगी वो राजा जरूर बनेगा। कंट्रोलिंग पावर यहाँ धारण ही नहीं की होगी तो राजा कैसे बनेगा? हाँ तो बाबा ये जो राधा कृष्णा 2018 में जन्म लेगा ऐसा सोचा था हमने, मना आपने मनमत से क्यों सोच लिया? ये जो बाबा ने बताया था। हाँ बाबा ने बताया था, बाबा के ऊपर डाल दो। 2018 कृष्ण का जन्म, संगम की कृष्ण का जन्म होगा या सती की जन्म का? सती की कृष्ण का जन्म होगा, संगम में संगम की कृष्ण का जन्म होगा। जो शास्त्रों में गायन है कंस के साथ है कृष्ण, कंसी जरा सिंधी शिशुपाल के साथ है कृष्ण, वो संगम युग में होगा या सती में होगा?
संगम में होगा, संगम में, संगम ही कृष्ण, सतयुग में सतयुग ही कृष्ण, सतयुग ही कृष्ण का सतयुग में होगा, अरे सतयुग में होगा, संगम में नहीं होगा। अरे ब्रह्मा बाबा का जन्म जो होगा वो अभी संगम में उनका जन्म होगा कि उनका पुरुषार्थ साकार शरीर का पूरा हो गया है ना। आप नेपाली में बोल दीजिए, जो बच्चे नहीं जानते लिखना बारह बच्चे की भेजना तो क्या करें, जो बच्चे नहीं लिख सकते। तो हिंदी तो सबसे सहज भाषा है, जल्दी सीख लो। आप नहीं पढ़ लिखे, पढ़ लिखे नहीं हो जाते हैं क्या? बच्चे हिंदी सीख सकते हैं तो हम बड़े नहीं सीख सकते हैं? यहाँ विदेश की माताएं आती हैं, एक वर्ष के अंदर हिंदी लिखना और पढ़ना और ट्रांसलेशन करना सीख जाती हैं। आप हिंदुस्तान में रह के ऐसी बात कर रहे हैं? जो ये माता लोग है वो पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? नहीं है पढ़ी लिखी तो बाबा की नजरों में और अच्छी है या पढ़ी लिखी ज्यादा अच्छी है? पढ़ी लिखी है तो दुनिया का संग का रंग ज्यादा लिया है। शंकर तो ये कर रहे हैं कि हम बाबा से स्थिति नहीं भेज रहे अभी तक, हम किसी के पास तो सीखो, किताब मंगा लो, किताब नेपाली की और हिंदी की किताब आती है, नेपाली की हिंदी की किताब आती है वो मंगा लो। और नहीं तो टीवी सबके घर में रखा है, रोज चार पांच बार बाबा की मुरली सुनो, बाबा अपने आप सिखा देगा। किताबें नहीं आती हिंदी नेपाली की? हाँ तो नेपाली की हिंदी की किताब आती है और घर में रख लो, आई वो सारा सीख लो है, प्रैक्टिस जो आदमी कर सकता है वो करेगा। ये संकल्प है माता का, पुरुषार्थ नहीं करना, सिर्फ शिकायत करते रहना वैसे थोड़ी होगा। हाँ बाबा, लौकिक माता पिता हाँ लौकिक पढ़ाई के लिए ज्यादा प्रेस डालते हैं हाँ। तो इसके लिए बाबा क्या करें? हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है ज्ञान में चलने। अच्छा, 24 घंटे ज्ञान में चलते हैं क्या? 24 घंटे तो 8 घंटे हो उनका, उनकी इच्छा पूरी कर दो। 8 घंटे अब उनकी इच्छा पूरी करो, 16 घंटे अपनी इच्छा पूरी करो। ऐसे समझो कि पढ़ाई पढ़ना हमारी नौकरी है। रोटी दाल खाते कि नहीं घर में? खाते हैं ना, मुफ्त की खाते हैं या मेहनत की खाते हैं? मुफ्त की क्यों खा रहे हैं? मुफ्त की वो जब उनकी इच्छा है तुम ये काम करो, पढ़ाई पढ़ो, तो 8 घंटे लगा दो पढ़ाई में। 8 घंटे की पढ़ाई में पास तो हो जाओगे, वो ही खुश हो जाएंगे। और किसीनाथ का यादगार जो बना है, कलहट क्या किसीनाथ का यादगार जो बना है, वो पांच वहाँ पांच लोग दिखाया जाता है, बताया जाता है बाबा ऐसा ज्योतिर्लिंगम कहीं नहीं पाया गया सारे में, बड़ा मतलब पूरे विश्व में नहीं कहीं किसीनाथ का। अब हमें तो पता नहीं, बताओ स्पेशलिटी, बताओ उसकी क्या है। ये बाबा की उसका वो लिंग जो है वो आदम कद है, उसके नीचे बता रहे हैं कि 7 और हैं, वही से बिल्कुल लगे हुए लगभग। आदम कद माने आदमी के कद का है, 6 फुट लंबा है और उसमें ये भी बता देना बाबा कि जो बच्चा जाएगा तो भी मतलब उठा के जल चढ़ाएगा और मतलब शयान होगा वो भी मतलब पैर उठा कर ही जल चढ़ पाएगा, उसे नहीं चढ़ पाएगा। 6 फुट का है तो बच्चा कैसे जल चढ़ाएगा? वो चढ़ा लेता है जैसे बता रहे हैं। स्टूल रखे और चढ़ा दे जी, खड़ा कर लेता है। कहते हैं तो देखो न जाएगी क्या बात है, कहती है सुनी सुनाई बात है, क्यों विश्वास करना? देखिए भी बाबा इतना तक जल चढ़ाए भी पहले पहले भक्ति में जब नहीं ज्ञान में थे जल भी चढ़ाए, इतना मतलब रहता है ऐसे जल चढ़ाया गया। ये भी बता दो पांडवों द्वारा बनवाया गया पांडव। अरे भक्ति मार्ग में तो सारी बातें ऐसी आर्टिफिशियल बना दी और लगा दी शास्त्रों के ऊपर कि शास्त्रों में ऐसा है इसलिए ये बात ऐसी है, नहीं तो कंपिल में द्रौपदी कुंड बना हुआ है वो कोई अग्नि कुंड था क्या? है अग्नि से कोई द्रौपदी पैदा होती है? ये तो ज्ञान अग्नि है,
योग अग्नि है, योग अग्नि से वो अपना अपना पार्ट क्लियर हो जाता है। बताते हैं फिलहाल तो ये अब आता ही नहीं ज्यादा ज्यादा, थोड़ी देर के लिए आत्मिक स्वरूप में बैठो। हाँ, थोड़ी देर के लिए क्यों बैठते हैं? कटता है फिर आता है, कटता है तो थोड़ी देर क्यों बताते हैं? फिर ये बताओ कि 24 घंटे में हम 16 घंटे बैठते हैं, 12 घंटे बैठते हैं? बैठने के बाबा बैठे लेकिन वो बराबर, हाँ बुद्धि को बिठाते हैं। हाँ 24 घंटे में 12 घंटे बुद्धि को बिठाते हैं स्टार की याद में जी। नहीं तुम इतना बोल, जब हो नहीं पाता प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो जाता है? अच्छा प्रैक्टिस होगी बाबा। हाँ ये जो जन्म है 84 ये खुलेंगे धीरे। अरे जब आत्मा समझेंगे तभी तो खुलेंगे, देह समझेंगे तो खुलेंगे। देह में 84 जन्म भरे हुए हैं, पांच तत्वों में 84 जन्म भरे हुए हैं, ये आत्मा में 84 जन्म भरे हुए हैं, बीज में ही तो सारा वृक्ष भरा हुआ है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ज्यादा करके आत्मा स्टेज में रहेंगे तो वो पार्ट ऑटोमेटिक, जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे विस्तार अपने आप हो जाएगा। विस्तार में जाने की मेहनत नहीं करनी होती है, मेहनत किस बात की करनी है? ये सब भी होता है बाबा, विस्तार में टिकने की मेहनत करनी है। और विस्तार में टिकते हैं फिर थोड़ा कुछ समय भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं। तो अच्छी बात है, और फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते फिर याद करो। हाँ, तो अच्छा है ना, लड़ाई लड़े जाओ, हार मत मारो। हाँ। साइकिल पे चढ़ने वाला बार बार गिरता है, अच्छा से उठ के खड़ा हो जाता है तो क्या वो हारा हुआ माना जाता है क्या? हाँ? बाबा क्लास करते हैं डेली और रजिस्टर भी रखते हैं लेकिन सीडी का कैसे नहीं कर पाते हैं। हाँ? कैसे लोन नहीं कर पाते तो हाजिरी रजिस्टर पूरा नहीं होता बाबा, तो उसके लिए हाजिरी रजिस्टर पूरा नहीं होता, कैसे नंबर वो तो नहीं नोट कर पाते हैं। हाँ? तो मतलब दो चार दिन में उसको सीडी का नंबर ही नोट नहीं कर पाते एक घंटा सुनते हो तो ये क्या बात हुई? तो इसे रजिस्टर खाली हो, दो तीन दिन हाजिरी हुआ उसके बाद रखा था तो नहीं गए थे तो हाजिरी हुआ था फिर उसके बाद इसे रखा। अरे एक घंटा वाणी चलती है उसमें यही नहीं लिख पाते कि कौन सा नंबर सीढ़ी चली? पढ़े नहीं पढ़े नहीं, दूसरे तो आते हैं पढ़े लिखे लोग और अभी कोई आते नहीं है अभी तो घर में केवल तीन लोग भरी हैं। अच्छा तो दस तक की गिनती तो पढ़ लो सीख लो क्या बड़ी बात है, दस उंगलियां हैं इनको नहीं गिन सकते। हाँ फिर बाबा एक पर्सनल बात पूछनी है, अभी पूछ सकते हैं? एक पर्सनल बात पूछनी है, पर्सनल बात पर्सनल पूछना है। हाँ तुम्हें ऐसा शर्म ना आती हो सबके सामने पूछने में तो पूछ लो, शर्म की बात नहीं है तो पूछो ना पर्सनल का ही की फिर सबका फायदा हो ना। जो बड़ा बच्चा है वो ज्ञान में नहीं चल रहा है, मना वो उसकी इच्छा मतलब शादी करने की इच्छा है तो वो उसको हम मना कर देंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे, मतलब वो यहाँ से घर छोड़ के भी नहीं कर सकता। दुख नहीं देना चाहिए, इसलिए हम क्या करें बाबा? दुख नहीं देना चाहिए लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे कि हमें विकार चाहिए लेकिन उसको विकार दे देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं विकार में जाना पाप है, हम स्वर्ग में जाएंगे बच्चे को जाने दो नरक में। वो समझा के भी वो भी मानता नहीं तो फिर ये तो अभी अरे फालो ब्रह्मा ने क्या किया है? ब्रह्मा ने क्या किया? अरे क्या किया बोलो ना, अपने बच्चों के साथ क्या किया? एक दो तीन गोट आउट, हम तुम्हारे बाप नहीं तुम्हारे बच्चे नहीं। बच्चा वो जो अपनी बात माने, बाप की बात ही ना माने तो बच्चा बच्चा कहेगा, किसी और की औलाद है, हमारा खून नहीं है। हमारा खून होता तो हमारी जैसी बात करता। संकल्पों का खून भी तो एक जैसा होना चाहिए। कोई समस्या नहीं है, समस्या क्या होती है? दुखी नहीं करने का, दुखी नहीं करना। अच्छा तुम शादी करते हो तो सुखी हो जाएगा, पक्की गारंटी है? और तुम्हारे ऊपर बंदरिया लटक जाएगी और बंदरिया के साथ दो चार बच्चे और गले में लटका देगा। बाबा हम जो गुंडा से आए हैं बाबा,
तो जो है हमारे पास एक जो है सामाजिक जो समस्या है बाबा, परिवार में जो है पांच ही लोग बाबा हैं, बच्चे हैं तीन और एक जो माता जी हैं। तो जो जो है बड़ा वाला बच्चा है बाबा, उसकी जो है शादी जो है 2004 में जो है हुई, शादी हो गई जी बाबा। उसने एक जो है लड़की से जो है इंटरमीडिएट में है, उसका बाबा जो है कनेक्शन हो गया, तुमने लव मैरिज कर ली। अभी जो है की नहीं है लेकिन होना, मतलब जो है की नहीं है, जो है की मैंने मतलब उसका जो इरादा है बाबा, अभी शादी नहीं हुई है, नहीं है, करने का विचार है। अब बाबा जहाँ से हमने जो है शादी की है वो हमसे, नहीं शादी तो अभी हुई नहीं आप कह रहे, शादी हो गई, अच्छा फिर वो एक लाख रुपया जो है डिमांड जो है मांग रहे हैं बाबा, लड़की वाला, हाँ लड़की वाला एक लाख रुपया मांग रहा है, लाने को इनकार कर दिया इनका लड़का, हैं हाँ गौना लाने से इनकार कर दिया, अलग शादी करना चाह रहा लड़की से, मतलब माना जिस लड़की से प्यार किया उससे नहीं करना चाहता, करना चाह रहा जो हो चुकी थी पहले, अच्छा अच्छा जिससे शादी हो चुकी उससे उसको नहीं लाना चाह रहा, उस समय वो बालिग थी नाबालिग थी बाबा, जो है बालिग थी उस समय वो लड़की, हाँ लड़की से जिस समय शादी हुई उस समय लड़की बालिग थी बाबा, जो 70,000 जो है देने के लिए वो पैसा अपना मांग रहे करने जब तैयार है बाबा उसमें, और वो हमसे जो है 30,000 जो फालतू जो मांग रहे हैं। अब बाबा हमको खेत जो है बेच करके जो है देना है, तो इसके बारे में 30,000 बोले उनका 17,000 बोले, 1,00,000 मांग रहा है बोले, और ज़्यादा 30,000 और मांग रहा है बोले ज़्यादा। अच्छा जो लड़की जिस लड़की से वो लव करना कर रहा है, मैरिज करना चाहता है, उसमें आपकी सहमति है? नहीं बाबा, हम लोग बाबा जो है बिल्कुल जो है निर्दोष हैं, तमाम जो है मतलब जो तमाम लोग गांव वाले नहीं मान रहे, लेकिन बाबा जो मानता नहीं है, एक दो तीन अलग करो, एक पैसा नहीं देना, अगर बच्चा या बच्ची लव मैरिज करता है तो उसको एक पैसा नहीं देना, मुरली के अनुसार, मुरली के अनुसार लड़की वाले पिताजी जो इनको दिए थे मांग रहे अपना कि हमको, हम 70,000 इनको दिए थे शादी में, तो खिलाई खिलाई जोड़ के 1,00,000 मांग रहे थे, वो देना है। शादी इनकी हुई है लड़के की हुई है? लड़के की। तो लड़के से ले, अब गलती वो लड़का कर रहा है कि ये कर रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि तुम दूसरी शादी कर लो, लव मैरिज कर लो, उसके लव मैरिज करने से इनकी तो नाक कट रही है, हाँ तो ये क्यों कहेंगे? लड़के ने शादी की है, लड़के की शादी हुई, लड़का बालिग था ना उस समय बाबा, लड़का उस समय बालिग था नाबालिग था? 17 साल का था बाबा। 17 साल का था, और लड़की 18 साल की थी? नहीं जो है जो 15 साल की थी बाबा। कुछ नहीं होगा, कह रहे ना जबरदस्ती हमारे लड़के को पकड़ के शादी कर दी, हाँ कुछ नहीं कर पाएगा, कोर्ट में कुछ होगा नहीं, वो खुद ही पकड़ जाएगा। नाबालिग बच्चों की शादी तुम कहोगे, हमारे हमारी राजी से शादी नहीं हुई, कल बाबा कल देने के लिए क्लियर भी किया उसको, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, 1,00,000 रुपया देने के लिए कल बुलाए थे बाबा, हाँ तो लो कोर्ट में ले लो 1,00,000 रुपया, चलो कोर्ट में, हमारी नाबालिग से शादी हुई है, नाबालिग की शादी करना एक जुर्म है, और लड़का जो लव मैरिज कर रहा है वो तो गलत कर रहा है बाबा, मानता नहीं तो तुम पैसे दे रहे हो उसको, प्रॉपर्टी दे रहे हो तो नहीं मानता है, लड़के को बाबा नहीं दे रहे बाबा, उसको लड़की वाले को, ये तो घर में रख रहे हैं उसे, रख रहे हैं बाबा, फिर मतलब बाहर कर देना है, लड़की तो कर देंगे। चलो क्लास पूरा हुआ तो बात है, हाँ।